जनजन की आवाज जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है और फाइनली इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। आई एम वेट कहने वाले पंकज मिश्रा, जिनको ईडी का आने का बहुत इंतजार था, इनवाइट किया था ईडी को, फाइनली ईडी कार्यालय में, पीछे आप देख सकते हैं ये ईडी कार्यालय है जहाँ पे पंकज मिश्रा मौजूद है और ईडी के कहीं ना कहीं सवालों के जवाब देते हुए वो नजर आ रहे होंगे अंदर में। आई मीन काफी लंबा ये पूछताछ चलेगा, फाइनली वो आ गए हैं। आपको बताते कुछ दिन पहले उनके पेट में काफी दर्द हो गया था, जब जब ईडी समन करती थी तब तब या तो उनको बुखार चढ़ जाता, कभी पेट में दर्द हो जाता, न जाने और क्या क्या बीमारियां जो कभी ना हुआ वो अचानक ईडी के समन से ही हो जाता था। फाइनली वो ठीक होकर पंकज मिश्रा अंदर मौजूद है और उन्होंने खुली चुनौती दे डाली थी ईडी को, लेकिन ये चुनौती कोई काम नहीं आई क्योंकि ईडी के पदाधिकारी है ही कुछ ऐसे कि भले आप बाहर में बहुत अपने स्टेटस लेके घूमते हो, लेकिन जब ईडी पदाधिकारियों के जब सवाल जब बम्बार्ड होते हैं तो उसके सामने सबके पसीने छूट जाते हैं। हमने आपको बताया था कैसे संजय दीवान, जो कि ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है साहिबगंज में, वो फूट फूट कर रोने लगे थे और बहुत मासूम बच्चे बन गए थे। उन्होंने कहा था कि सारे लोगों ने मिलकर पंकज मिश्रा और ये जो डाहू यादव है मालवाहक संचालक के मालिक डाहू यादव, इन दोनों ने मिलकर मुझे ना फंसाया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। लेकिन इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो उनके बातों में आ गई। कुछ देर के लिए भले पूछताछ उनको चुप कराया गया, उनको टिश्यू पेपर दिया गया, पानी दिया गया, फिर से पूछताछ स्टार्ट किया गया, तो कहीं ना कहीं ईडी के पदाधिकारियों को भी अच्छा खासा मेलो ड्रामा देखने को अंदर में मिल रहा होगा। आज क्या कुछ अंदर होगा ये खबर हम आपको देते रहेंगे अपडेट, लेकिन एक पहले पंकज मिश्रा के कुछ करीबी है जैसे लल्लू यादव, बच्चू यादव, ये सब बिजनेसमैन हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि इन सब को भी समन किया गया है, इन सब से पूछताछ की गई है और इन लोगों ने खास तौर पर कहा है कि मेरा पंकज मिश्रा से कोई कनेक्शन नहीं है। खासकर डाहू यादव, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरा पंकज मिश्रा से कोई कनेक्शन नहीं है, मैं नहीं जानता, मैंने सारे रिश्ते नाते सब तोड़ दिए हैं। यहाँ पे एक अलग ही ऐसा लग रहा है कि सीरियल का मेलो ड्रामा वो चला रहे थे डाहू यादव जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने सारे कनेक्शन तोड़ दिए, लेकिन जैसा हमने आपको पहले भी कहा कि ईडी के पदाधिकारियों को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है। ईडी के अधिकारियों ने ऐसे फाइल्स, ऐसा दस्तावेज पेश किए जिससे वहां पे दो मिनट में साफ हो गया कि अभी तक आपका कनेक्शन पंकज मिश्रा के साथ है। उस समय डाहू यादव कुछ नहीं बोल पाए, ऐसे बहुत सारे सवाल के जवाब में मौन ही रहे ये सारे लल्लू यादव, बच्चू यादव, ये सब पंकज मिश्रा के काफी और भी दो चार लोग हैं, मुन्नी देवी, ये सब बहुत करीबी बताए जा रहे पंकज मिश्रा से, पंकज मिश्रा के, तो कहीं ना कहीं पंकज मिश्रा के जितने भी करीबी है सबसे पहले ईडी ने उन सबको लाकर पूछताछ कर लिया है। अब लास्ट में पंकज मिश्रा से आज पूछताछ हो रही है। पहले एक वहम था कि लोगों के मन में था कि ईडी और सीबीआई जैसे बड़े एजेंसी जो होते हैं वो खाली बड़े लोग, बड़े पॉलिटिशियन, ऐसे लोगों के घर में छापा मारते हैं, लेकिन जिस तरीके से ईडी झारखंड में सक्रिय हो रही है, हर एक लोग, चाहे छोटे तबके के हो, बड़े तबके के हो, छोटे, जहां भी कुछ संदेह हो रहा है डायरेक्ट ईडी में समन करके पूछताछ करिए, ये कहने की डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है जिस तरीके से सक्रियता दिखा रही ईडी एजेंसी। खैर पंकज मिश्रा मामले में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, देखना दिलचस्प होगा कि जब इनके चार्ट्स खंगाले जाएंगे तो और नए क्या क्या सोर्सेस और इनका तार और कहां से जुड़ता हुआ निकल के सामने आता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। मैं शिखा सर अपने सहयोगी राशिका बजाज के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।